अमीरपेट डिवीजन के टीआरएस सीनियर लीडर गुलाब सिंह राज पुरोहित ने लॉकडाउन के मौके पर कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए महकमा पुलिस और जीएचएमसी के मुलाजमीन में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन में भी इसकी तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सनत नगर CI मुत्तू कृष्णा, गुलाब सिंह राज पुरोहित, पवन कुमार लोया और सरदार जगत सिंह, महेंद्र सिंह और दीगर मौजूद थे। आज हमने यहाँ पे सनत नगर पुलिस स्टेशन मोतू यादव साहब को एक 150 मार्क्स और सैनिटाइजर दिए 150 ही। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से तो सेवाएं हो ही रही है यहाँ पे, लेकिन हम भी एक समाज की तरफ से थोड़ी सेवा दे रहे हैं। कल हम SR नगर ट्रैफिक पुलिस को भी हमने 150 सैनिटाइजर और मार्क्स दिए। तो हम क्या सोच रहे हैं, एक पुलिस है, ये हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एक हमारे डॉक्टर नर्स, वो भी हमेशा कोरोना अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। गवर्नमेंट की तरफ से कह ही रही है और हम भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उत्साह बढ़ेगा। पुलिस वालों का रहने दो, सफाई कर्मियों का रहने दो, चाहे अपने नर्सों का रहने दो, डॉक्टर्स का रहने दो, सभी का उत्साह बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग रोज डेली हर पुलिस स्टेशन के अंदर सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे कोरोना का इलाज शुरू किया जाए, मतलब कम लिमिट दर पे। क्यों आजकल ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल पे इतना हो रहा है कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक बिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके बावजूद भी इंसान बस रहा नहीं, तो वापस बॉडी पूछ रहे, तो वो लोग पहले बिल पे करिए, उसके बाद में हम बॉडी देंगे। तो ये भी, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।